खन्ना और आज मैं बहुत ही अच्छा सा और रिक्वेस्टेड वीडियो है। और वैसे भी अभी जो समर सीजन स्टार्ट हो रहा है उसमें हम सब हैंकी कैरी करते हैं, तो आज मैं बताऊंगी कि साड़ी में आप हैंकी टक कैसे कर सकते हो, हैंकी टकिंग जो करना होता है वो किस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट वे में आप यूज कर सकते हो और अपने लुक को और अच्छा बना सकते हो। तो देखिए, मैंने हैंकी जो ले रखा है, ये 3 न्यू हैंकी मैंने परचेज किया है। आप देख सकते हो ये 3 न्यू हैंकी है। लेडी हैंकी जो होता है वो है, मैं इस 3 हैंकी से आपको बताऊंगी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में आप हैंकी को कैसे टक्स कर सकते हो साड़ी में। तो आज ये जो ब्लैक साड़ी है स्पेशली मैं इसके लिए पहनी हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये जो वीडियो है पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ वो शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप पसंद करोगे। सो गाइस, सबसे पहला जो है बहुत ही सिंपल है और सबको ही कर लेते हैं इजिली। आप स्क्वायर फोल्ड करना है, ये देखिए एक हैंकी है, लेडी हैंकी जो कि छोटी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है। इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करना है और इसे सिंपली टक करना है इस तरीके से। आपको आप देख सकते हो सिंपल टक्स इस तरीके से आप कर लोगे और ये देखिए ये लुक भी बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से आपको। सो गाइस, अब सेकंड जो है वो कोन स्टाइल में आपको लेना है हैंकी। तो सेम यही हैंकी है, इस हैंकी को बस आपको कोन में फोल्ड करना है। तो देखिए बैक साइड जो है ये उल्टे साइड को, सीधा साइड ऐसा रहेगा, बैक साइड की तरफ आपको कोन बनाना है ताकि ये जो बैक साइड वाला है वो पोर्शन अंदर चले जाए। इस तरीके से कोन बनाना है और इसे थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर देना है टक्स करने से पहले। और ये देखिए इस तरीके का कोन वाला शेप आ गया है। अब इसे ही इस कॉर्नर में आपको फोल्ड करना है। आप देख सकते हो ये कोन स्टाइल में है। करने वाले हैं कोन स्टाइल, जैसा कि आप आइसक्रीम का कोन देखते हो उस तरीके से आपको रुमाल को फोल्ड करना है। तो कोन बनाना है हमें, तो रुमाल का एक छोर पकड़कर आपको इसको रोल करना स्टार्ट करना है। इस तरीके से आप कोन बनाते जाओगे, आप देख सकते हो ये देखिए इस तरीके से हमें कोन बनाना है फोल्ड कर करके, जैसे कोन होता है आइसक्रीम का, ये देखिए आइसक्रीम का कोन जैसा बन गया। अब इसे हमें करना ये है कि आप इसे अच्छे से हाथ से प्रेस कर दे ताकि ये फ्लैट हो जाए। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे एक पिन लगा सकते हो, और अगर ऐसे ही सही हो जाता है तो ऐसा भी सही है क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो अंदर चला जाएगा और इस तरीके से हम टकिंग कर लेंगे। ये देखिए कोन स्टाइल में,
है नेक्स्ट की बारी, तो नेक्स्ट में हमने फिर से ये जो डीडी एंट्री है वो ले लिया है। अब इसे हमें वापस फोल्ड करना है इस तरीके से, उसके बाद फिर से स्क्वायर फोल्ड करना है इस तरीके से, आप देख सकते हो इस तरीके से। फिर उसके बाद अगेन इसे बीच से इस तरीके से फोल्ड करना है, ये कुछ इस तरीके से, और कोन शेप जैसा हम देते हैं वैसे इसको इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है, ऐसे और ऐसे इस तरीके से। पर ये वाला चीज आप ऐसे, जैसे इससे पहले मैंने बताया था इस तरीके से रखने के लिए, इस बार इसको इस तरीके से आप अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा। और ये यहाँ अगर नहीं होता है तो आप एक पिन कर सकते हो, पिन अप कर सकते हो, और इसको इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो। आप देख सकते हो ये इस तरीके से, एक्चुअली मेरा ये है कि थोड़ा छोटा है, अगर थोड़ा और बढ़िया एंट्री होती तो ये लेंथ और लंबा आता और काफी अच्छा लुक और भी आता। तो आप देख सकते हो इस तरीके से भी आप टक्स करोगे हैंगी को तो बहुत अच्छा लुक आने वाला है। तो गाइज अब इसके बाद मैं आपको एक और सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, और बहुत झटपट आप ये कैरी कर सकते हो हैंगी को इस तरीके से। ये हैंगी है, इसको अगेन आपको फोल्ड करना है इस तरीके से, फिर एक और फोल्ड करना है इस तरीके से ताकि स्क्वायर में आपका फोल्ड हो जाए। उसके बाद स्क्वायर में जब ये फोल्ड हो जाता है उसे आपको बीच से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, ये देखिए सिंपली इस तरीके का फोल्ड आएगा, और उसके बाद आप इसे इस तरीके से टक कर लोगे। तो देखिए आप ये वाला लुक भी बहुत अच्छा आता है। गाइज ये था मेरा सिंपल सा हैंगी टकिंग स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैंगी से। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, और कोई एक्स्ट्रा सजेशन हो कि मुझे किस टाइप के और वीडियो बनाने चाहिए तो कुछ आइडियाज हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं उसे कर सकूं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अब मैं यहीं एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।